दोस्तों, हम मनुष्य अपनी बाल्यावस्था में अपनी भीतर की आवाज़ सुनकर जो मन करता है बिल्कुल वही करते हैं, फिर चाहे उससे कोई फ़ायदा हो या फिर नुकसान, क्योंकि उस अवस्था में हमारे पास ये समझने की ताकत नहीं होती कि वो कार्य सही है या गलत। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी समझ, हमारी विचार, हमारी उस भीतर की आवाज़ को कुछ इस तरह से दबा देते हैं कि हमें अपने भीतर की आवाज़ सुनाई देना ही बंद हो जाती है, जिससे हम कभी चाहकर भी उन आवाज़ों को सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते और उसे कभी जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं। तो आज की इस कहानी के माध्यम से हम यही जानने वाले हैं कि हमारे भीतर की आवाज़ किस तरह से हमें एक सही दिशा और दशा देती है। ये कहानी बहुत पहले की है। किसी नगरी में एक युवा लड़का रहता था। उसे सन्यासियों और पंडितों को देखकर चिढ़ सी होती थी। वो समझता था कि वे सारे सन्यासी और पंडित ढोंगी हैं, धोखेबाज हैं। लेकिन एक बार वह युवा लड़का एक ऐसे सन्यासी को देखता है और उनके आभा मंडल से वो इतना प्रभावित हो जाता है कि उसका मन भी सन्यासी बनने के लिए तैयार हो जाता है। और वह लड़का यह तय करता है कि वह भी अब एक सन्यासी बनेगा। इस तरह का भाव उसके मन में पहली दफा उत्पन्न हुआ था और उसे लगा कि उसे भी अब सन्यासी बनना चाहिए। और वो सन्यासी कोई और नहीं बल्कि महात्मा बुद्ध थे। वो लड़का महात्मा बुद्ध से इतना प्रभावित हो चुका था कि वो तुरंत उनकी शरण में गया। महात्मा बुद्ध के सामने उस लड़के ने अपने दोनों हाथ जोड़े और उनसे कहा कि हे बुद्ध, मैं आपसे यहाँ कुछ प्रश्न पूछने आया हूँ। क्या मुझे मेरे प्रश्नों का सही सही और सटीक उत्तर मिलेगा? महात्मा बुद्ध ने उस युवा लड़के की बातें ध्यानपूर्वक सुनी। उसके बाद उन्होंने कहा कि अवश्य तुम जो भी प्रश्न पूछना चाहते हो वो पूछ सकते हो, तुम्हें उनका जवाब अवश्य मिलेगा। इस पर उस लड़के ने महात्मा बुद्ध से कहा कि हे बुद्ध, मुझे आज से पहले कभी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ। आज से पहले मैं सिर्फ ऐसा ही सोचता था कि जो भी ये सन्यासी होते हैं, ये पंडित हुआ करते हैं, ये लोगों को सिर्फ मूर्ख बनाते हैं, उन्हें धोखा देते हैं, ये सिर्फ झूठ बोलने का ही काम किया करते हैं। मुझे उनसे सख्त नफरत थी। मुझे लगता था कि ये सन्यासी और पंडित लोगों को सिर्फ पागल बनाने का काम किया करते हैं और मैं तो हमेशा से यही समझता था कि ये सभी एक जैसे होते हैं। ना ही मैंने आज तक किसी मंदिर में अपने कदम रखे हैं और ना ही मैंने अपने कानों से आज तक कोई ज्ञान की बात सुनी है। और सच तो ये भी है कि मैं आपको भी नहीं जानता। आप कहाँ से आए हैं, आप कौन हैं और आपका आभा मंडल इतना आकर्षित क्यों है? न जाने क्यों मैं आपकी तरफ खिंचा चला जा रहा हूँ, मैं आपकी तरफ आकर्षित हो रहा हूँ। आज से पहले मेरे मन में कभी ये सवाल नहीं उठा था कि मैं भी कभी कोई सन्यासी बनूं, लेकिन आपको देखने के बाद मेरे मन में कई ऐसी विचारधाराएं उत्पन्न हो रही हैं जो ये मुझसे कह रही हैं कि मैं भी आपकी तरह ही एक सन्यासी बन जाऊं। और मैं अपनी इस विचारधाराओं के कारण दुविधा में हूं। कृपया करके मेरी इस दुविधा का समाधान करें और मुझे एक सही राह दिखाएं। इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, जिसके बाद तुम्हारे मन में ये उठने वाले विचार खुद ब खुद
शांत हो जाएंगे और तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भी मिल जाएगा। महात्मा बुद्ध कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि दो राज्यों के बीच में एक बहुत ही घना जंगल था। उस जंगल में अनेकों जानवर रहा करते थे, लेकिन एक दिन अचानक उस जंगल में आग लग जाती है। वे सभी जंगली जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागना शुरू कर देते हैं। कोई शहर की तरफ भाग पड़ता है, तो कोई राजमहल की तरफ, तो कई बस्तियों की तरफ ही भाग पड़ते हैं। इस तरह से उस जंगल में हाहाकार मचा हुआ था। लेकिन उसी जंगल में एक हाथी भी रहता था। वह भी अपनी जान बचाने के लिए जंगल से भाग रहा होता है कि तभी अचानक उसके पैरों में कांटा चुभ जाता है। चारों तरफ आग बढ़ती जा रही थी और यह देख वह हाथी और भी घबरा रहा था। हाथी ने अपना पैर उठाया और उस कांटे को अपनी सूंड की मदद से निकालने का प्रयास करने लगा। वह हाथी उस कांटे को निकाल ही रहा था कि तभी अचानक एक छोटा सा खरगोश आग से बचते बचाते उस हाथी के पैरों के नीचे आ बैठा। वह खरगोश ठीक उसी जगह बैठा था जिस जगह पर अगर हाथी पैर रख देता तो शायद वह खरगोश वहीं पर अपना दम तोड़ देता। उस खरगोश को देखकर हाथी के मन में दया जाग उठती है। वह सोचता है कि अगर मैंने पैर रख दिया तो यह खरगोश मर जाएगा, जिस तरह से मैं अपनी जान बचाने के लिए इस आग से भागता फिर रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार यह खरगोश भी अपनी जान बचाने के लिए इस आग से अपने प्राण बचाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मुझे इसके ऊपर पैर नहीं रखना चाहिए। वैसे भी यह खरगोश काफ़ी देर से भागता हुआ लग रहा है और ये अब थक भी चुका है। उस खरगोश की सांसें फूल रही थीं, इसलिए वह खरगोश वहीं पर कुछ देर बैठकर आराम कर रहा था। लेकिन वह खरगोश इस बात से अनजान था कि जिस जगह पर वह बैठा है ठीक उसी के ऊपर कोई हाथी अपना पैर उठाए खड़ा है। अगर उस हाथी ने अपना पैर नीचे रख दिया तो शायद आग से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। वह हाथी इतना दयालु था कि उस खरगोश को बचाने के लिए वह अपना पैर जमीन पर नहीं रखता है। लेकिन वह हाथी यह भूल जाता है कि जंगल में यह भीषण आग लगातार फैलती जा रही है और वह उसके करीब भी आ रही है। खरगोश बहुत छोटा सा था, इसलिए उसे इस बात का एहसास नहीं हो पा रहा था कि वह जिसके नीचे बैठा है वह एक हाथी है। धीरे धीरे आग और भी करीब आ रही थी और हाथी यह सब कुछ देख रहा था, लेकिन अभी तक उस खरगोश की जान बचाने के लिए वह हाथी अपने पैरों को जमीन पर नहीं रखता। जैसे जैसे आग करीब आ रही थी उसकी गर्माहट भी खरगोश और हाथी को महसूस होने लग गई थी। जैसे ही उसकी गर्माहट खरगोश को महसूस होती है वह तुरंत ही वहां से भागकर निकल जाता है। खरगोश के निकल जाने के बाद हाथी भी अपने पैरों को आहिस्ता से नीचे रखता है और वह भी उस भीषण आग से निकलने की हर मुमकिन कोशिश करता है। लेकिन आग अब इतनी ज़्यादा फैल चुकी थी कि वह हाथी उस आग की चपेट में आ जाता है और उस हाथी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन मरने के बाद उस हाथी को एक इंसान का जन्म मिलता है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मरने से पहले उस हाथी ने जो दया दिखाई थी, जो करुणा दिखाई थी, जो उसने कर्म किए थे, अपनी जान की परवाह ना करते हुए उस खरगोश की जान बचाई थी, उसी भाव के कारण उसे एक इंसानी जन्म मिला।
आगे महात्मा बुद्ध कहते हैं कि वो हाथी कोई और नहीं बल्कि तुम ही थे। पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों के अनुसार तुम्हें ये मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है और अब तुम्हारे पास एक अवसर है कि तुम इस मनुष्य के जीवन को सार्थक बनाओ। लेकिन इस दुनिया में ऐसे अनगिनत लोग तुम्हें मिलेंगे जो इस जीवन की कद्र नहीं करते। वो ये भूल जाते हैं कि मनुष्य का जीवन हमें अकारण नहीं मिलता, और तुम मुझे देखकर प्रभावित सिर्फ इसलिए हुए हो क्योंकि जिस वजह से पिछले जन्म में तुम्हारी मृत्यु हुई थी, वही भाव, वही करुणा और वही दया तुम्हें मेरी ओर आकर्षित कर रही है, और इसी कारणवश तुम्हें ये मनुष्य का जन्म भी मिला है, और यही कारण है कि तुम मेरे पास खींचे चले आए हो। लेकिन अब भी तुम्हारे पास समय है, तुम चाहो तो तुम वापस जा सकते हो। जो दुनिया तुम जी रहे थे उस दुनिया को फिर से जी सकते हो। पिछले जन्म में तुमने जो पुण्य किए थे वो तो मात्र एक झलक सी थी, लेकिन इस जन्म में तुम्हारे पास पूरा अवसर है कि तुम उस झलक को एक नया रूप दे सकते हो और इस जीवन को सार्थक बना सकते हो। इस जीवन को जीने के तीन स्तर होते हैं। पहला, जानवरों की तरह जीना। दूसरा, मनुष्यों के स्तर पर इस जीवन को जीना। और तीसरा, बुद्ध के स्तर पर इस जीवन को जीना। लाखों करोड़ों प्राणी भिन्न भिन्न योनियों में अपना जीवन बिता रहे हैं, और इन योनियों को भोगने के बाद ही उन्हें मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है। तो क्या ये सौभाग्य की बात नहीं है कि तुम्हें मनुष्य का जीवन मिला है? तुम्हारे भीतर की आवाज ही तुम्हें मुझ तक यहाँ पर खींच लाई है। और मनुष्य सबसे बड़ी गलती भी यही करता है कि वो अपने भीतर की आवाज़ को अनदेखा करता है, उसे अनसुना करता है, और जीवन भर सिर्फ उन्हीं कामों में लगा रहता है जिससे उसे खुशी मिले, सुख मिले। लेकिन वो ये भूल जाता है कि जिन कामों को वो कर रहा है वो सभी कार्य व्यर्थ हैं, जिनका उसे कभी कोई परिणाम नहीं प्राप्त होगा, और अपने पूर्ण जीवन काल में वो सिर्फ उन्हीं कार्यों को करता हुआ अपने अंतिम क्षणों को प्राप्त हो जाएगा। यह तुम्हारे भीतर की आवाज ही है जो तुम्हें मुझ तक खींच लाई है, और यह तुम्हारे भीतर की आवाज ही है जो ये तुमसे कह रही है कि अब तुम्हें सन्यासी बनना चाहिए। ये जो तुम्हारे मन में विचार उठ रहे हैं, तुम चाहो तो इन्हें दबाकर अपने पुराने जीवन में जा सकते हो, या फिर आज तुम अपने भीतर की इस आवाज़ को सुनकर अपने जीवन को सार्थक बना सकते हो। ये फैसला तुम्हारे हाथों में है। लेकिन याद रहे कि हमें ये अवसर बार बार नहीं मिलते। हमारे भीतर से जो आवाज़ आती है उस पर काम करने में देरी करना व्यर्थ है। और मेरी ये बात भी याद रखना कि तुम जितना अपने भीतर की आवाज़ से दूरी बनाए रखोगे तुम उतना ही दुखी रहोगे, क्योंकि शांति हमें केंद्र में ही मिलती है। भीतर की आवाज़ सुनकर जो हमें संतुष्टि मिलती है वह संतुष्टि तुम्हें जीवन भर कार्य करने से भी नहीं मिल पाती। महात्मा बुद्ध की इन सभी बातों को सुनने के बाद वह युवा लड़का यह समझ चुका था कि अब उसे क्या करना है, क्या बनना है, और वह तुरंत ही महात्मा बुद्ध का एक भिक्षु बनने का निर्णय लेता है। और देखते ही देखते समय बीतता जाता है और सिर्फ कुछ ही समय में बुद्धत्व को हासिल कर लेता है जिसके लिए उसका जन्म हुआ था। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? दोस्तों, अगर आपके भीतर से कोई आवाज आ रही है तो वह व्यर्थ नहीं है, उसके पीछे कुछ न कुछ कारण अवश्य है जिसे शायद आप अभी देख ना पा रहे हों,
लेकिन आपको आपके आने वाले समय में उसके परिणाम अवश्य देखने को मिलेंगे। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हमारे कर्म हमें फल अवश्य देते हैं। उस हाथी की दया ने, करुणा ने उसे एक मनुष्य का जीवन दिलाया और उस मनुष्य के जन्म में उसने बुद्धत्व को हासिल किया और अपने जीवन को सार्थक बनाया। मनुष्य का जीवन पाने की सबसे अच्छी बात यही है कि आप अपने भीतर की आवाज़ को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और उस पर चलकर आप अपने लिए और दूसरों के लिए एक अच्छा और सार्थक जीवन जी सकते हैं, या फिर आप अपने भीतर की उस आवाज़ को नकार सकते हैं, अनसुना कर सकते हैं और फिर अपने जीवन में लौट सकते हैं जिस जीवन को आप जी रहे हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग बस यही गलतियां करते हैं कि वो खुशी की तलाश में बस दौड़ते रहते हैं, लेकिन कभी वो एक पल के लिए ये नहीं सोचते कि हमें जाना कहाँ है और हमें पाना क्या है। और इसी तरह से जीवन बीतता चला जाता है और उनका अंतिम समय आ जाता है। तो क्या आप भी अपने जीवन को इसी तरह से जीना पसंद करते हैं? आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखा ज़रूर होगा। वो आपने क्या सीखा है आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।